स्वागत है दोस्तों आपका कार वाले दुबीजी के नए एपिसोड में। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे फ्रंट व्हील ड्राइव और रियर व्हील ड्राइव गाड़ियों के बारे में। जी हाँ, आपने कई बार ये कॉन्सेप्ट सुना होगा। आप जब गाड़ी के कैटलॉग या आप जब उसके बुक को देखते हैं या आप जब गाड़ी परचेज करनी चाहते हैं तो बोला जाता है कि गाड़ी फ्रंट व्हील ड्राइव है कि रियर व्हील ड्राइव है। तो पहले जानते हैं कि फ्रंट व्हील ड्राइव और रियर व्हील ड्राइव गाड़ी होती क्या है, उनका एप्लीकेशन क्या है एंड क्या उसके फीचर्स होते हैं, क्या वो सही है गलत है या क्या उसके प्लस या माइनस है, उस बारे में हम थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करेंगे एंड फिर आप डिसाइड कीजिए कि आपको बेसिकली कौन सी गाड़ी ज्यादा प्रेफरेबल है। तो चलिए पहले शुरू करते हैं फ्रंट व्हील ड्राइव के बारे में। फ्रंट व्हील गाड़ियां कैसी होती है कि जो उनका इंजन होता है वो फ्रंट में माउंटेड होता है और वो एक ट्रांसवर्स लेआउट में माउंट किया जाता है। ट्रांसवर्स यानी कि जो उसका पिस्टन होता है 1, 2, 3 या 1, 2, 3, 4 जो पिस्टन होता है वो गाड़ी के विथ के पैरेलल होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि जो उनका इंजन माउंटिंग है विथ के साथ पैरेलली माउंट किया गया है। तो इसका एडवांटेज क्या होता है कि आपको जो पावर है वो ज्यादा तरीके अच्छे तरीके से एफिशिएंटली आपके फ्रंट टायर्स में चले जाते हैं। इसमें ज्यादा पावर लॉस नहीं होता, आपका वेट कंट्रोल में होता है एंड अगर वेट कंट्रोल में है, ज्यादा कंपोनेंट्स यूज नहीं होते तो उसका मेंटेनेंस इजी हो जाता है, प्लस फ्यूल एफिशिएंसी अच्छे से मिल जाती है। तो ये प्लस पॉइंट होता है आपके फ्रंट व्हील ड्राइव का। सारा ताकत आपको फ्रंट व्हील ड्राइव पे ही मिल जाता है। इसका एक और फायदा ये हो जाता है कि जब आप गाड़ी चला रहे हैं तो फ्रंट व्हील में आपका वेट ज्यादा ऐड होता है। अप्रॉक्सीमेटली 60-70% ज्यादा वेट होता है इंजन के वजह से एंड उसके कॉन्फ़िगरेशन की वजह से। तो क्या होता है कि आपको ट्रैक्शन ज्यादा बेटर तरीके से मिल जाता है। तो अगर आप उसको रियर व्हील ड्राइव से कंपेयर करेंगे तो आपको ज्यादा ट्रैक्शन मिलता है कंपैरेटिवली जब आप उसको रेत में चला रहे हैं या जब उसको आप स्नो में चला रहे हैं। तो अगर ज्यादा बेटर क्वालिटी के टायर्स अगर आपकी गाड़ी में लगे हुए हैं तो आप आसानी से स्नो में उसको क्रूज कर सकते हैं। हाईवे पे अगर उबड़ खाबड़ रोड है या थोड़ा सा स्लिपरी रोड है तो गाड़ी का ग्रिप ज्यादा बेटर होता है फ्रंट व्हील ड्राइव में। हालांकि इसका ड्रॉबैक ये हो जाता है कि आपकी गाड़ियां अंडरस्टीयर कर जाती हैं। अंडरस्टीयर बेसिकली वो एक मोमेंट होता है गाड़ी में जब आप गाड़ी ज्यादा हेयरपिन टर्न ले रहे हैं या ज्यादा तीखी टर्न लेने की कोशिश कर रहे हैं एंड आप गाड़ी का जब स्टीयरिंग खींचते हैं तो गाड़ी थोड़ी सी स्लिप हो जाती है बिकॉज आपका जो स्टीयरिंग फीडबैक है वो प्रॉपरली गाड़ी नहीं ले पाती। बिकॉज क्या है कि आपका सेम जो दोनों टायर्स है आगे के उसको दोनों का फंक्शन करना पड़ जाता है। एक तो आपका जो स्टीयरिंग का जो फीडबैक है वो लेना देना पड़ता है, सेकेंडली जो इंजन का पावर है वो भी उसको संभालना पड़ जाता है। इसका मेजर ड्रॉबैक ये है कि ज्यादा ये सब गाड़ियों में इंजन छोटे होते हैं एंड ये ज्यादा टॉर्क हैंडल नहीं कर सकती। तो ये इनका प्रॉब्लम है कि ज्यादा पावरफुल इंजन नहीं आप माउंट कर सकते फ्रंट व्हील ड्राइव में। एंड दूसरा ये कि जब आप उसको स्टीयरिंग से मनूवर करने की कोशिश करते हैं तो गाड़ी उतना अच्छा फीडबैक नहीं देती तो गाड़ी अंडरस्टीयर कंडीशन में चली जाती है। तो ये भी एक ड्रॉबैक हो जाता है। हालांकि ये जो अंडरस्टीयर कंडीशन होता है इसे कंट्रोल करने के लिए आपके ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम्स और आपके ABS गाड़ियों में आजकल के लगाया जाता है तो ये थोड़ा सा उनको हेल्प कर देती है कि आपका ये अंडरस्टीयरिंग परफॉर्मेंस ना हो, गाड़ी इतना स्लिप ना करे। तो मच बेटर कंट्रोल है जो पुराने फ्रंट व्हील ड्राइव गाड़ियों से आज की फ्रंट व्हील ड्राइव गाड़ियां आ जाती है। एक और इसका जो डिजाइन फ्लॉ है वो ये है कि आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही इंजन लेआउट आता है, वो है आपका जो इंजन है वो सिर्फ फ्रंट में माउंट हो सकता है एंड ट्रांसवर्स पोजीशन में ही माउंट हो सकता है बिकॉज आपकी इंजन साइज छोटी होती है एंड यही लेआउट में आपको इंजन मिलता है फ्रंट व्हील ड्राइव में। तो आपको ज्यादा डिजाइन एलिमेंट आप टेस्ट नहीं कर सकते, आपको ज्यादा वेरिएशन नहीं टेस्ट कर सकते। जैसे कि रियर व्हील ड्राइव में आपकी गाड़ियां फ्रंट, मिड और रियर तीनों सेक्शन में लगाए जा सकते हैं और वो हिसाब से यूज किया जा सकता है, बट फ्रंट व्हील ड्राइव में सिर्फ आपकी इंजन फ्रंट में ही माउंट होती है। हालांकि जो ये फ्रंट व्हील ड्राइव है वो आपको थोड़ा सा पुल वाला इफेक्ट देता है, जहां पे आप जैसे कोई सामान खींचते हैं, अगर आप जैसे कि हाथ गाड़ी हो या ट्रॉली जब आप खींचते हैं तो वो इफेक्ट कैसे आता है, उस प्रकार से फ्रंट व्हील ड्राइव काम करती है। तो चलिए देखते हैं अब रियर व्हील ड्राइव कैसे काम करती है। रियर व्हील ड्राइव में बहुत सारे कॉन्फ़िगरेशन होते हैं। रियर व्हील ड्राइव आपका फ्रंट इंजन होता है, फ्रंट इंजन कॉन्फ़िगरेशन, मिडल इंजन कॉन्फ़िगरेशन या रियर इंजन कॉन्फ़िगरेशन पे काम कर सकता है। अगर इसमें ट्रांसवर्स इंजन भी यूज किया जा सकता है जो फ्रंट व्हील ड्राइव में जैसे यूज होता है वो इसमें भी यूज किया जा सकता है अगर आपका इंजन साइज छोटा हो। V6 तक ट्रांसवर्स इंजन आप लगा सकते हैं रियर व्हील ड्राइव में। अगर आपका इंजन साइज बड़ा है V8 या V12 है तो आपको फिर लॉन्जिट्यूडनल टाइप ऑफ इंजन यूज करना पड़ता है, जहां पे आपका इंजन का जो पोजीशन है वो आपके गाड़ी के जो लेंथ है उसके पैरेलल में होता है, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो ये प्रकार से रियर व्हील ड्राइव में आपको बहुत सारी वेरिएशन आ जाते हैं पावर के मामले में, इंजन के पोजीशन के मामले में एंड डिजाइन में भी काफी सारा एक्सपेरिमेंटेशन हो सकता है। इसका जो बेस्ट पार्ट है वो आपका जो हैंडलिंग होता है गाड़ी का। जी हाँ, गाड़ी काफी ज्यादा पावर हैंडल कर सकती है बिकॉज क्या होता है कि इसमें 2 सेट्स ऑफ टायर्स वर्क करते हैं। आपका जो फ्रंट है वो आपका सिर्फ स्टीयरिंग संभालता है, जो रियर है वहां पे आपका पावर दिया जाता है। जो इंजन है कहीं पे भी माउंटेड हो उसका पावर रियर सेक्शन में दिया जाता है गाड़ी के एंड रियर
व्हील सिर्फ और सिर्फ गाड़ी को पुश करने का काम करती है, उसे पावर देती है, एंड फ्रंट टायर्स सिर्फ उसे स्टीयरिंग को संभालते हैं। तो इससे आपको ज़्यादा स्मूथ परफॉर्मेंस मिलता है, ज़्यादा आपको पावर हैंडलिंग कैपेसिटी मिलती है, जहाँ पे आपकी गाड़ी मैक्सिमम एनर्जी मैक्सिमम परफॉर्मेंस पे काम करती है। जैसा कि आप जानते हैं कि BMW हो गई, ऑडी या कोई भी जर्मन गाड़ियां हैं या परफॉर्मेंस कार्स हैं, उन सब में रियर व्हील ड्राइव ही ज़्यादा करके यूज़ होता है, बिकॉज ये काफ़ी परफॉर्मेंस ओरिएंटेड होती हैं। अगर आप देखा जाए तो जब आप इसको टर्न भी लेते हैं, शार्प टर्न, जैसे कि आपने फ्रंट व्हील ड्राइव में देखा कि अगर आप हेयर पिन टर्न ले रहे हैं तो उसमें क्या होता है कि गाड़ी अंडरस्टीयर करती है, गाड़ी स्लिप होके फेंक दी जाती है। इसमें क्या होता है कि आपकी गाड़ी काफ़ी प्रिसाइज होती है, आपका हैंडलिंग काफ़ी अच्छा फीडबैक मिल जाता है आपको स्टीयरिंग से, बिकॉज आपका सिर्फ और सिर्फ फ्रंट व्हील स्टीयरिंग संभाल रहा है, उसको पावर संभालने की जरूरत नहीं पड़ती, तो वो स्लिप नहीं हो रहा है। तो कैसा होता है कि अगर आप गाड़ी लेफ्ट या राइट में उसको मोड़ रहे हैं तो गाड़ी वो लेफ्ट या राइट शार्प टर्न ले सकती है। हालांकि ज़्यादा तीखी टर्न लेने के टाइम पे गाड़ी का जो रियर सेक्शन है वो स्लाइड होता है, बट देन जो गाड़ी चलाने में एक्सपर्ट है या जिनको गाड़ी चलाने में मज़ा आता है, वो गाड़ी को स्लाइड करते हुए या गाड़ी को ड्रिफ्ट करते हुए उस हेयरपिन टर्न से निकाल सकते हैं, वो काफ़ी मज़ेदार फील होता है। हालांकि इल्लीगल है, आप ट्राई ना कीजिए इसको। तो रियर व्हील ड्राइव में हैंडलिंग का ज़्यादा मज़ा आ जाता है, सेकेंडली परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी मिल जाती है, हालांकि फ्यूल एफिशिएंसी थोड़ी कम होती है कंपैरेटिवली फ्रंट व्हील ड्राइव के। एक और जो बहुत अच्छी चीज़ होती है रियर व्हील ड्राइव में, वो ये है कि उसकी टोइंग कैपेसिटी या लोड कैरिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि क्या होता है कि सारा पावर आपके पीछे वाले टायर में दिया जाता है। तो आप जब गाड़ी को ट्रॉली से टो कर रहे हैं या आप उसमें कुछ ऐड वेट ऐड ऑन कर रहे हैं तो गाड़ी अच्छे तरीके से परफॉर्म कर जाती है, हालांकि उसमें ट्रैक्शन नहीं है इतना। अगर देखा जाए फ्रंट व्हील ड्राइव से आप कंपेयर करेंगे तो उसमें वो ट्रैक्शन नहीं मिलता, आपको गाड़ी इतना ग्रिप नहीं देती, बिकॉज आपका वेट पीछे है एंड स्टीयरिंग आगे है। फ्रंट व्हील में क्या होता है कि आपका आगे स्टीयरिंग कंट्रोल है, प्लस आपका इंजन का पावर भी उसमें जा रहा है, तो वेट की वजह से गाड़ी आपका रोड पर ग्रिप पकड़ती है। रियर व्हील ड्राइव में आपका वो इतना अच्छा ग्रिप नहीं मिल पाता। नेक्स्ट चीज़ जो इसकी ड्रॉबैक है वो ये है कि काफ़ी कॉस्टली है मेंटेन करने के लिए। जैसा कि आपको मैंने बोला कि इसमें काफ़ी सारे कंपोनेंट्स यूज़ होते हैं, इंजन आपका अलग अलग पोजीशन पे होगा तो वहाँ से आपका जो पावर रियर व्हील ड्राइव में जाएगा उसमें एक्स्ट्रा कंपोनेंट्स ऐड हो सकते हैं। प्लस आपने कभी भी नोटिस किया रहेगा कि जिन गाड़ियों का रियर व्हील ड्राइव होता है फ्रंट में इंजन होता है, तो आपने देखा है केबिन में एक टनल जाता है, तो आपको कम स्पेस मिलता है स्पेस, और केबिन का अगर बड़ा इंजन है जो फिट किया गया है तो आपको केबिन का भी कम स्पेस मिलता है, तो थोड़ा सा स्पेस के मामले में ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करती है। इसी वजह से आपका मेंटेनेंस भी काफ़ी हाई होता है, बिकॉज ज़्यादा कंपोनेंट्स यूज़ होते हैं इन गाड़ियों में। बट देन ये गाड़ियाँ काफ़ी आपकी रिलायबल होती है कंपैरेटिवली फ्रंट व्हील ड्राइव के, आपका ज़्यादा मज़ा आता है इसको चलाने में, बट देन आपको फिर एवरेज से कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ कर जाना पड़ता है। फ्रंट व्हील गाड़ियाँ भी काफ़ी रिलायबल होती हैं, इसीलिए इन्हें काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ रियर व्हील गाड़ियाँ ही रिलायबल है, फ्रंट व्हील भी ज़्यादा रिलायबल है, प्लस इनमें जो आपका ट्रैक्शन है वो अच्छा होता है, तो आपको लेस वेट में ज़्यादा बेटर तरीके से ट्रैक्शन मिल जाता है। अगर आपको ज़्यादा हैवी एप्लीकेशन नहीं है, आपको ज़्यादा पावर की ज़रूरत नहीं है, तो फ्रंट व्हील गाड़ियाँ काफ़ी अच्छी है जो आपकी हैचबैक में और सेडान्स में यूज़ हो जाती हैं। रियर व्हील गाड़ियाँ मोस्टली आपकी SUVs में यूज़ होती है, ताकि आपको वहाँ पे ज़्यादा लोगों को कैरी करना पड़ता है या ज़्यादा लोड कैपेसिटी चाहिए आपको, और आपको ट्रैक्शन से ज़्यादा लोड कैरी करना है, आपको ज़्यादा पावर चाहिए, ज़्यादा ताकत, ज़्यादा टॉर्क चाहिए, तो वहाँ पे रियर व्हील गाड़ियाँ यूज़ होती है, रियर व्हील ड्राइव वाली गाड़ियाँ यूज़ होती है। तो हर एक गाड़ी का अपना अपना एप्लीकेशन है। अगर सिंपल आपको सिर्फ पॉइंट ए टू पॉइंट बी जाना है तो फ्रंट व्हील गाड़ियाँ काफ़ी अच्छी होती है, इनको चलाने में भी मज़ा आता है। अगर आपको ज़्यादा प्लेजर चाहिए, अगर आप ज़्यादा गाड़ी के मामले में थोड़े से क्रेजी हैं मेरी तरह, या जो आप परफॉर्मेंस गाड़ियाँ चलाने के क्रेजी हैं, रेसर्स हैं, या जिनको रेसिंग करना पसंद है, उनके लिए हमेशा रियर व्हील ड्राइव हमेशा थोड़ा सा एक एक्साइटिंग फैक्टर रहता है। प्लस अगर आपको ज़्यादा हैवी वेट कैरी करना है या आपको ज़्यादा पावर उस वक्त चाहिए तो रियर व्हील ड्राइव यूज़ कर सकते हैं। तो एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताना चाहूँगा मैं कि महिंद्रा की SUV आप जानते हैं, XUV500 जो है वो आपकी फ्रंट व्हील ड्राइव है। जी हाँ, SUVs मोस्टली रियर व्हील ड्राइव होती है, पर ये गाड़ी फ्रंट व्हील ड्राइव है। थोड़ा सा इंटरेस्टिंग फैक्ट है, तो इसलिए गाड़ी का परफॉर्मेंस थोड़ा ज़्यादा बेटर है, बिकॉज फ्रंट व्हील ड्राइव है, ट्रैक्शन अच्छा मिल जाता है गाड़ी का। तो महिंद्रा ने काफ़ी अच्छे तरीके से इसको डिज़ाइन किया गया है। आप बताइए आपको कौन सी गाड़ी पसंद आई, आपको रियर व्हील ज़्यादा चलाने में मज़ा आएगा कि फ्रंट व्हील ज़्यादा आपको यूज़ है, तो आपके एप्लीकेशन की तरफ से आप गाड़ी ले सकते हैं। आपको क्या पसंद है, आपको कौन सी वाली ज़्यादा पसंद आई, आप मुझे कॉमेंट्स में लिख के भेज सकते हैं। अगर आपको और कुछ जानकारी चाहिए और कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, टेक्निकल नॉन टेक्निकल, आप मुझसे पूछ सकते हैं मेरे फेसबुक या इंस्टाग्राम पेज पर। आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं carwaledubeji@gmail.com पे। तब तक अपने घर पर सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। कार वाले दुबे जी की तरफ से साइनिंग ऑफ।